चैनल सो बहुत टाइम हो गया था कोई ब्लॉग शेयर किए हुए एंड मैं अपने जो मेरा चैनल है रीना तंवर ब्लॉग्स उस पर शेयर ना करके मैं यहाँ शेयर क्यों कर रही हूँ उसके सभी रीजन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. सो या तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि ये ब्लॉग जो है मेरा पसंद आया आप लोग को. अगर अच्छा लगता है प्लीज डू लाइक. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन. वो आज 9th of September है और 10:11 बजने वाले हैं तो अब हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे. मैंने सुबह इसलिए स्टार्ट नहीं किया बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या दिखाऊं कुछ है भी नहीं दिखाने को. बट अभी मैं सोचा बाहर जाना है तो थोड़ा और आज मेरे को 5K का केक भी कट करना है. सो यस कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज हमारी 5K फैमिली हो गई है. लाइक 5K तो बहुत पहले हो गए थे आई गेस 26th को हो गए थे एंड अभी तो 500 और भर भी गए हैं. एंड मैं इतना लेट इसलिए सेलिब्रेट कर रही हूँ बिकॉज बहुत से रीजन थे जो कि आपको इस वीडियो में मिल ही जाएंगे कि क्या क्या रीजन थे किस वजह से मैंने नहीं शूट मैं कर पा रही थी इतने टाइम से. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन. गाइस मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लेती हूँ बिकॉज फेस वॉश मैंने कर लिया है. एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टोनर से. किधर जा रहा है भाई तू? टोनर तो मैं कभी भी अप्लाई कर सकती हूँ. लाइक मुझे इतना पसंद है ना टोनर को अप्लाई करना. लुक एट द ग्लो, एकदम से ना ग्लोई ग्लोई फेस लगता है. सो टोनर हमारा अप्लाई हो गया है. कौन सा टोनर अप्लाई किया वो भी बता देती हूँ. आप लोग पूछोगे एल्फ गुडनेस का टोनर अप्लाई किया क्योंकि वो टोनर है बहुत पसंद आ रहा है मुझे तो मैंने अप्लाई किया है इसको. आ रहा हूँ मैं. मैंने इसका फोन ले लिया था. ओके सो नेक्स्ट है गाइज ये सीरम जो कि मुझे अगेन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं कर रही हूँ कुछ दिन से. हाँ मैं एक और चीज बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था. मेरे जो मैंने स्किन केयर रूटीन एक्चुअली मैं क्या है ना कि कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट आप लोग के साथ शेयर करने से पहले उसको खुद पे ट्राई करती हूँ. तो कुछ दिनों से मैं एक प्रोडक्ट को ट्राई कर रही थी. मेरे लिए अच्छा वर्क कर रहा था नो डाउट. बट अचानक से एक दिन क्या हुआ कि मेरा इतना ज्यादा इशू हो गया स्किन में. एलर्जी हो गई थी उससे मेरे को. पूरा फेस मेरा रेड हो गया था. और ऐसे नहीं होता कि बस फेस को ऐसे खुजा लो ऐसे पता नहीं क्या करूँ. लाइक बहुत इरिटेशन हो रही थी फेस पे मेरे और एलर्जी हो गई थी उसके वजह से. वो थोड़ा सा ऐसे मोटा सा फूल के हो गया था. तो फिर उसके बाद फिर मैंने मेडिसिंस भी ली. अभी भी मेडिसिंस तो है मेरे पास लेकिन मैंने उसको ली नहीं काफी टाइम तक चला वो चीज़. तो मैंने उस टाइम भी अपनी वीडियो शूट नहीं की थी तो ये चीज़ हो गई थी. इसलिए मैं अब कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई ना करके सिर्फ हल्का सा सीरम अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा स्किन को मैं रेस्ट दे रही हूँ. नया प्रोडक्ट कोई मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ बिकॉज इतना ज्यादा हो गया था मेरे साथ अभी. तो वो भी एक रीजन था मेरी वीडियोस ना शूट करने का बिकॉज मेरा फेस ठीक नहीं था. एंड मैं सोच रही थी अगर मेकअप कुछ अप्लाई करूंगी वीडियो शूट करने के लिए तो कोई और इशू ना हो जाए स्किन पे. तो आज मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ वीडियो में वैसे तो और बहुत कुछ बताने वाली हूँ. उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी वाओ की सनस्क्रीन थोड़ा सा टाइम लेके. अब ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए स्किन फिर. तो अब मैगी बनाने चलते हैं. गाइस ये मैंने मैगी के लिए कढ़ाई में पानी डाल दिया है और घर पे आज बन रही है गाइस बाटी. दाल बाटी किस किस को पसंद है कमेंट करके जरूर बताना. आ गई हूँ मैगी जैसे मैं बताया. तो आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूंगी कि मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी क्या क्या चीजें हुई. तो अब ब्रेकफास्ट करते करते शेयर कर देती हूँ. तो सबसे फर्स्ट बता ही दिया जैसे कि मेरे फेस पे एलर्जी हो गई थी वो एक रीजन था. उसके अलावा गाइस मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था. एंड जब घर में किसी के लगभग जाते एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद यार मन ही नहीं करता बनाने का. तो उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके काफी चोटें लग गई थी. तो वो चीज़ हुआ काफी लोगों को मैंने रीजन भी बताया. उसके अलावा मेरे डैड भी आए हुए थे. तो मेरे डैड दिल्ली रहते हैं मैं अलवर रहती हूँ. तो डैड आए हुए थे. तो डैड जब रहते हैं गाइस वो इतनी मस्ती करते हैं पूरा टाइम हमें बैठा के रखते हैं साथ में और मस्ती करते रहते हैं. तो वो रहते तो वैसे ही बनाने का वीडियो बन नहीं करता. फिर यहाँ पे नॉइस इतनी आती है. कंस्ट्रक्शन वर्क कभी खत्म नहीं होता डेली कंस्ट्रक्शन चलता है यहाँ पे. इतनी नॉइस आती है मैं परेशान हुई हूँ. तो ये सब मिला मुल्लू के मैंने आई गेस एक दो हफ्ते तो शूट ही नहीं की कोई वीडियो क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि यार मैं कैसे शूट करूं क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था यार. मैं एक होता है ना मन से जब तक आप करो और आप करने की कोशिश कर रहे हैं स्टिल कोई चीज साथ नहीं दे रही कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी. तो फिर मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल बनाने का वीडियोस. बारिश का मौसम हो रहा था इतना गंदा वाला वेदर और बारिश आ जाती है कभी कुछ. तो मन नहीं किया था कि मैं कोई वीडियो शूट करूं. तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी.
मतलब जो पेंडिंग वीडियोस थी वही मैं पोस्ट करती रही। एंड आज मैंने वीडियो डाली है गाइस टॉप 10 ब्लश अंडर 500, तो जाके जरूर चेक करना उस वीडियो को। एंड गाइस मैंने आपको टाइम दिया था, डेज दिए थे कि मैं इस तेल को डालूंगी और ये टाइम, बट हो नहीं पा रहा, रेगुलर मैं नहीं हो पा रही हूँ। उससे एक दिन पहले मैंने फेस वॉश की डाली थी, नायका का जो न्यू लॉन्च है, वो मैंने 4-5 बजे डाला, तो मेरा हो नहीं पा रहा अभी टाइमिंग का। तो जब तक मेरा टाइमिंग का बिल्कुल फिक्स नहीं हो जाता ना, तब तक अभी मैं आपको फिक्स नहीं बता सकती, क्योंकि यार बहुत सी चीजें थी तो इसकी वजह से। और मेरे ब्लॉग चैनल पे ब्लॉग नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये है कि अभी मैं रेगुलर ब्लॉग्स नहीं लाऊंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसी चैनल पे पोस्ट कर लेते हैं, फिर रेगुलर जब लाऊंगी तो उस चैनल पे पोस्ट करूंगी, जो मेरा सेकंड चैनल है ब्लॉग्स के लिए स्पेशली। और बाकी बस बढ़िया। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि मैं वीडियोस बहुत अच्छी दे रही हूँ, मुझे पता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है। आप मेरे चैनल पे चेक करोगे, एक दो वीडियोस ऐसी होती है जो कि आपको लगे कि यार मेरे लिए नहीं है, बट फिर भी मैं हर टाइप का कंटेंट पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ। वो हॉल्स होते हैं, चाहे वो रिव्यूज होते हैं, चाहे कंपैरिजन वीडियो होती है, चाहे यू नो हेल्पफुल वीडियोस होती हैं, जितनी हो सके मैं, जितनी चाहे अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए जितना हो सके मैं उतना अच्छी कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ, बट उस हिसाब से ऑडियंस का रिस्पांस नहीं मिल रहा था। एंड यू नो जब आपको रिस्पांस इतना अच्छा नहीं मिलता था, तो आपको कहीं ना कहीं फिर बुरा फील होता है कि यार आप इतनी मेहनत कर रहे हो स्टिल आपको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो काफ़ी चीज़ें थी, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। एंड अभी मैं ठीक हूँ, तो अब मैं लाइन पे हूँ, तो अभी मेरी वीडियोज़ वगैरह आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। एंड सो गाइस अब मैगी ओवर हो चुकी है एज यू कैन सी। सो आज मेरे को बाहर जाना है, एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं डिनर डेट पे, मतलब मेरी फैमिली, मम्मी, दोनों भाई और मैं। डैड मेरे डैडी चले गए तो वो तो आ नहीं सकते, वो ज्वाइन नहीं कर सकते हमें। और आज मैं 5K का केक भी कट करने वाली हूँ। वैसे तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन सोचा था, बट भाई का एक्सीडेंट हो गया था उस दिन या उससे एक दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था, तो वो 5K का सेलिब्रेशन भी मैं नहीं कर पाई थी। तो दैट्स व्हाई मैं सोची कि छोटा सा केक तो कट करना ही चाहिए, बिकॉज यार केक कट करने का तो बहाना चाहिए मुझे। तो आज हम बाहर जाने वाले हैं, तो मैं मम्मा के हेयर में एक्चुअली कलर कर रही हूँ, क्योंकि हमारा सडनली प्लान बना था, एक प्लान नहीं था कि हमें बाहर जाना, बट ऐसे ही मन हुआ कि चलते हैं, फिर बहुत दिन हो गए हैं और अलवर का कुछ समझ नहीं आ रहा कब लॉकडाउन हो जाए कब अनलॉक हो जाए, तो हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं। तो अब मम्मा के थोड़ा यू नो कलर करना है बालों में, और मैं थोड़ा सा फेस स्क्रब कर रही हूँ, ये तो हाथ है ना, फेस स्क्रब और बॉडी स्क्रब एंड ये सब करने वाली हूँ, और थोड़ा सा पैम्पर भी करने वाली हूँ खुद को, क्योंकि यू नो मन कर रहा है पैम्पर करने का। उसके अलावा आज कोई वीडियो शूट नहीं करनी, सबसे अच्छी बात ये है। मैंने 7th को वीडियो शूट की थी, उसके बाद 8th को नहीं की, 9th को भी आज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इतना मन नहीं कर रहा। मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा गैप देके शूट करूँ, तो अब मैं 2-2, 3-3 दिन का गैप देती हूँ वीडियोस में, देन शूट करती हूँ। तो आज मैं कोई वीडियो शूट नहीं करी, तो आज फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो अब मैं मम्मा के हेयर में कलर करने वाली हूँ। और गाइस मेरे को भी बहुत टाइम हो चुका है कलर करवाए हुए, तो अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कोई हेयर कलर करूँ या करवाऊँ, then do let me know in the comment section, because मेरे को बहुत time हो गया hair transformation किए हुए, and मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि कुछ तो change हो। so yeah, तो अब मैं back camera जाके then hair को color करूँगी, because थोड़ा सा difficult हो रहा था ऐसे camera के side। सो गाइज मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया था, सीरम वगैरह भी अप्लाई कर लिया था, लेकिन मुझे याद आया कि अरे यार बाहर जाना है, तो क्यों ना थोड़ा सा अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लिया जाए। बहुत टाइम हो गए हैं मेरे को एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो किए हुए, तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ फेस स्क्रब, उसके बाद मैं फेस पैक अप्लाई करूंगी। तो फेस स्क्रब गाइज मैं अप्लाई करूंगी ये वाव का चारकोल फेस स्क्रब, ये मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी तक अप्लाई नहीं किया तो बता नहीं सकती कैसा है। और फेस पैक के लिए गाइज मैंने ये एल्फ गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर लिया है, और इसको मैंने ये रोज वाटर के साथ मिक्स करके ये कुछ इस टाइप का पेस्ट बना है। सो ये हमारा फेस पैक भी रेडी हो चुका है। पर्पल हॉल अभी तक डाला नहीं है, तो आप लोगों ने तो बिल्कुल भी इसको नहीं देखा होगा। मैंने इसको रिसेंटली परचेज किया है, मैं इसको भी फर्स्ट टाइम ही अप्लाई करने वाली हूँ, सो मुझे नहीं पता कि कैसा वर्क करेगा, तो मैं ट्राई कर रही हूँ प्रोडक्ट्स को, एंड उसके बाद आप लोग के साथ शेयर भी तो करना है फ्यूचर में कि कैसे वर्क करते हैं प्रोडक्ट। तो और उसके अलावा गाइस मैंने पर्पल हॉल शूट कर लिया, एडिट कर लिया है, वीडियो रेडी है, कब अपलोड होगी, हो सकता है 2-3 दिन में आपको दिखी जाएगी वीडियो। एंड मैंने पर्पल से और भी ऑर्डर कर लिया है कुछ प्रोडक्ट, मेकअप और स्किन केयर, ज्यादा नहीं है 2000 है, तो ऐसे करके पर्पल से अब हो गया है, मतलब तैयारी शुरू हो गई एक नए हॉल की, जबकि पहले वाला हॉल डला ही नहीं है। नायका हॉल की भी तैयारी हो गई है, 2-4 प्रोडक्ट नायका से ही परचेज किए हैं मैंने, और मिंत्रा से भी 2-4 चीजें परचेज की है मैंने।
तो हॉल की तैयारी शुरू हुई, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कि एक साथ मैं प्रोडक्ट परचेज नहीं करती, तो अभी आपको जाके सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर में जाके हॉल देखने को मिलेंगे इनके, और एक साथ तो नहीं करती। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे हेवन, और ये क्यूट सा हेवन मेरी मम्मा लेके आई मेरे लिए, मतलब बच्चों को ना बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें पहनाना पसंद है, मम्मी को ऐसा लगता है जैसे मैं 5 साल की बच्ची हूँ, क्यूट सा हेवन। तो स्टार्ट करेंगे स्क्रब से गाइस। सबसे पहले मैंने अप्लाई कर लिया पानी अपने फेस पे, और ब्लॉग में ऐसा कुछ शेयर करने का सीन था नहीं, बट मैंने सोचा कि कर देते हैं, स्किन केयर भी मैं कर ही रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो मैंने अप्लाई कर लिया चारकोल फेस स्क्रब, मुझे बहुत पसंद है यूज़ करना ना मेरी स्किन पे, तो ये देखते हैं कि कैसा वर्क करता है। वर्क नहीं पता मुझे ये वाला कैसा करेगा, इसके पार्टिकल्स गाइस बहुत थिक है, तो ये काफ़ी अच्छे से आएगा स्क्रब करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत थिक लग रहे हैं मुझे, और चारकोल के प्रोडक्ट तो वैसे ही बहुत डीपली क्लीन कर देते हैं स्किन को। करूँगी मेरे ब्लैक हेड्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है मुझे, करना पड़ता है। सो ये मेरे पास टूल है, ये मैंने वेगा का परचेज किया था गाइस, तो इससे मैं रिमूव करूँगी, एंड मैं करती रहती हूँ वैसे। सैंडलवुड का जो मैंने बनाया है पैक, इसको अप्लाई कर, थोड़ा सा रनी बन गया है ये यार, इसकी फ्रेगनेंस अमेजिंग है यार गाइस, इसकी फ्रेगनेंस ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे यार, वाह। यू कैन सी मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, और ये आपको अनइवन सा लग रहा होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं कैसे ये अप्लाई होगा, तो ये जैसे भी अप्लाई हुआ है हो चुका है, अब इसको ड्राई होने दूंगी, उसके बाद इसको रिमूव करूंगी, एंड मैं उसके बाद नहा के आने वाली हूँ, बिकॉज मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, मैं कितनी गंदी बच्ची हूँ, तो अब मेरे को नहा के आना है, उसके बाद इसको पहले इसको रिमूव करूंगी, फिर नहा के आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। ओके पैक रिमूव कर लिया है, एंड मैंने आपको बोला था कि मैं नहाने जाने वाली हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलूंगी, बट मैं नहीं गई। उसका रीज़न ये था कि मैंने फेस पैक रिमूव किया, फिर हम थोड़ी देर बात बात करने लगे, देन हमने सोचा कि बलून्स बहुत सारे पड़े हुए हैं हमारे घर पे। उसका रीज़न ये है कि मेरे अभी एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो हमने पूरा घर डेकोरेट, मेरा रूम को डेकोरेट किया था, तो उसके लिए बलून वगैरह यूज़ किए थे, एंड ये अभी ऐसे ही हैं, इनका करें क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेरा पूरा स्टोर रूम में बलून भरे हुए थे, काफी तो फूट गए खुद से, काफी बचे हुए थे, तो हमने सोचा कि बलून बर्स्ट चैलेंज करते हैं, एंड मैं और मेरा भाई चैलेंज करने वाला है, देखते हैं कि कैसे होने वाला है, मैंने कभी किया नहीं है, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलो करते हैं वो चैलेंज, एंड क्या गाइस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो चैलेंज को जो भी हारेगा ना उसको ये पनिशमेंट मिलेगी कि वो अगले बंदे के 10 मिनट्स तक पैर दबाएगा। ये पहले तो बताया ही नहीं था मेरे को, अब कर लेते ना, पनिशमेंट भी होनी चाहिए, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। 1 2 गो हार गई हूँ, सिर्फ एक बलून से हारी हूँ, वैसे काफी बलून मेरे नेल से भी टूटे थे, लेकिन मैंने उनको काउंट नहीं काफी नहीं बहुत सारे दो या तीन टूटे थे, उनको काउंट नहीं किया था, एंड उसके बाद सिर्फ एक ही बलून से हारी हूँ, अगर वो बलून मेरे हाथ से नहीं टूटते, नेल्स की वजह से टूट गए यार, इतने लॉन्ग हैवी नहीं बट स्टिल टूट गए। एनीवेज तो ये जीत चुका है चैलेंज को, और इसने बोला कि मेरे पैर ना दबा के मेरे को थोड़ा सा यू नो पैम्पर कर दो, और मेरे फेस मास्क यार लड़कियों का ही अच्छा है यार, पैर नहीं दबवा सकते, अगर मैं हार जाता ना तो ये तो मुझसे बहुत बुरी तरीके से अपने पैर दबवाने वाली थी, तो मैंने दया कर दी थोड़ी, यार पैर दबाई अच्छा नहीं लगा, ये काम कर हेड मसाज दे दे, अब हेड मसाज लूंगा, हेड मसाज नहीं यार हेड मसाज ही देगी अब तो ये, और क्या पैर दबवाना छोड़ दिया, हेड मसाज कैसे छोड़ दूं, ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम सलून में कभी कभी जाते तो वो नाई डालता है ना पानी पहले, बाल काट दूं ना, ना बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा ऐसे ये कौन सी हेड मसाज है यार, मुझे नहीं आती, तेरे पास तो मसाजर भी उससे कर दे यार, बाल और खराब कर दे यार, इससे अच्छा तो कुछ और ही करो,
नहीं ऐसे साइड से देख काफी मोटे हो गए, ये ऐसे लग रहे हैं वीडियो में। हेड मसाज यार ऐसा लग रहा है जैसे कीड़े चल रहे हैं मेरे सर पे, ये कोई हेड मसाज होती है? ऐसे दो ढंग से दो ऐसे देते हैं हेड मसाज, ऐसे दो चक्कर आ रहे हैं ऐसे ऐसे हेड मसाज शक्ल ली ये असली चेहरा है इसका, चल हेड मसाज दे। सो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, ये देखो यार निशान हो रखा है, कोई बात नहीं। रिसेंटली यू नो एक्ने हुआ था, उसका एक्ने स्पॉट रह गया है। देखो कितनी ज्यादा नॉइस आती है ऐसे में, कोई कैसे शूट करे, मतलब पूरे दिन आती है यहाँ पे, आपको इतना सा भी टाइम नहीं मिलता कि आप अपने शूटिंग या कुछ करना हो, आपको किसी को कुछ करना हो तो वो नहीं कर सकता, इतनी नॉइस है यार इतना। सो गाइस सबसे फर्स्ट मैं नेल पेंट अप्लाई कर रही थी, तो मैंने ये NYB की नेल पेंट अप्लाई की है, न्यू नेल पेंट है। एंड उसके बाद मैं मेकअप करने बैठ गई थी, बिकॉज यू नो यहाँ पे 7-8 बजे के करीब सब बंद हो जाता है जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह है। तो मेकअप करने से पहले मैंने स्टार्ट किया स्किन केयर, तो जस्ट मैंने सीरम को अप्लाई किया जिससे कि थोड़ा ड्यूई लगे मेरा मेकअप, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो जो मैं चाहती हूँ मेरा बेस हो वो ड्यूई लगता है लगे, इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने पैक का प्राइमर अप्लाई किया है, एंड गाइज ये प्राइमर बहुत बेस्ट है, तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो इसी को अप्लाई करती हूँ। वीडियोज में तो आप नहीं देखते होगे इसको, बट मैं बाहर जाती हूँ तो इसी को यूज करती हूँ, बिकॉज ये पोर को बहुत अच्छे से ब्लर कर देता है, एंड ये टिंटेड प्राइमर है तो एक ना काफी अच्छा सा ग्लो भी प्रोवाइड करता है आपको। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ ये स्मैश बुक्स का प्राइमर, तो ये वाला प्राइमर गाइज क्या है ना कि पोर्स को बहुत अच्छे से ब्लर कर देता है। तो पहले मैं पैक का अप्लाई करती हूँ, एंड देन उसके बाद इसको वहां पे अप्लाई करती हूँ मेरे टी जोन पे बेसिकली, जहां पे पोर्स के इश्यू मुझे ज्यादा है। उसके बाद मैं स्टिक फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, एंड गाइज ये टॉप जो मैंने डाला हुआ है ये मैंने शीन से परचेज किया था बहुत टाइम पहले, लाइक लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ था उससे जस्ट एक मंथ पहले आई गेस यू नो बाय किया था, लेकिन इसको अभी तक पहना ही नहीं है मैंने बाहर, सो मैंने सोचा कि इसी को वेयर कर लेते हैं आज, एंड काफी क्यूट सा था, और मेरी मम्मा और मेरा सेम सा आउटफिट था लाइक पिंक, दैट्स व्हाई मैंने इसको वेयर किया। उसके बाद मैंने सेट कर लिया है बेस को, लाइक अंडर आईज को ओनली सेट किया है, एंड उसके बाद मैंने ब्लश अप्लाई किया है। गाइज ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश है, मैंने टॉप 10 ब्लश की वीडियो शेयर की है, आप वो चेक कर लीजिएगा अगर आपको जानना है कि कैसा है ये ब्लश। उसके बाद मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, ये आप देख सकते हो NYB की कंटूर स्टिक से, और मैं बस अपने यू नो चीक बोन्स पे ही कंटूरिंग कर रही हूँ, पूरे फेस पे कंटूरिंग नहीं कर रही हूँ, एंड जिससे कि थोड़ा सा यू नो अच्छा सा फेस लगे। उसके बाद मैं आई मेकअप के लिए सिर्फ ब्लश को ही अप्लाई कर रही हूँ, अलग से आई शेडो वगैरह नहीं हो पाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे एंड यहाँ पे बहुत जल्दी सब कुछ क्लोज हो जाता है, एंड हम ऐसा होता है जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तब हम ऑलमोस्ट लेट होते ही हैं, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैंने व्हाइट काजल अप्लाई किया, उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है फेसेस कैनेडा का, फॉल्सीज की नीड नहीं होती है इस मस्कारा को अप्लाई करने के बाद, ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी आईलैश लग रही है मेरी। तो मैंने कोई हैवी मेकअप नहीं किया, बहुत ही लाइट सा मेकअप रखा है मैंने। उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई की है, ये आई एम्स्टरडैम की लिक्विड लिपस्टिक है, शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको अप्लाई कर लूंगी। बहुत अच्छी लिपस्टिक थी, पिंकी न्यूड था, तो ये ना मेरे आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाता, दैट्स व्हाई मैंने इसको अप्लाई किया है, एंड फेस को भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूंगी हाइलाइटर की हेल्प से, वो मैंने ऑफ कैमरा हाईलाइट किया था तो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये YBH रोशर का परफ्यूम, एंड इतना तो जरूरी है, परफ्यूम का मुझे क्रेज है आप लोग को पता ही है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ बॉडी क्यूपिड का ये बॉडी बटर, इसको मैं हैंड पे अप्लाई कर लूंगी, एंड गाइज उसके बाद मैंने यू नो अपना आउटफिट वेयर कर लिया था एंड हम चले गए थे बुर्जा के लिए। सो मैंने इयर रिंग्स डाले थे एंड वॉच पहनी थी जस्ट, और बाल मैंने सेंटर पार्टीशन करा था, बस ओपन ही रखे थे, तो बुर्जा क्लोज था गाइज हम जब गए, और मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ कि यार क्लोज है बुर्जा तो अब क्या करें। फिर हम पावना पैलेस आए और ये ओपन था, और मुझे खुशी हुई कि चलो ठीक है कुछ तो चीज ओपन है, क्योंकि हमने केक वगैरह बाहर कर लिया था एंड फिर कट करना था, तो क्या तो ये ओपन था, फिर हम यहाँ पे गए, एंड गाइज ये है मेरा आउटफिट आप देख सकते हो, तो काफी अच्छा लुक लग रहा था, इतनी अच्छी मेरी पिक्स नहीं आई थी बट लुक काफी अच्छा लग रहा था, लाइक बहुत अच्छा लुक टर्नड आउट हुआ था, यू कैन सी काफी अच्छा मेकअप हुआ है एंड काफी अच्छा लुक भी हुआ है।
सो हम बुर्जा गए थे लेकिन वो बंद मिला एंड उन्होंने बोला कि वो 17-18 को ओपन करेंगे. सो अभी हम आए पावनाव पैलेस एंड ये भी काफ़ी अच्छी प्लेस है. एंड गॉड ये ओपन थी, हमें बहुत डर लग रहा था कि हम शायद आज भूखे ही सोने वाले हैं. सो फाइनली हम यहाँ पे आ गए हैं, तो अब आपको अंदर का दिखाती हूँ मैं. सो गाइज ये है इंटीरियर यहाँ पे, यू नो सिटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छा है, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था. एंड गाइज हमने सब प्रिकॉशंस लिए थे, सो डोंट वरी, वो इस वीडियो में शो नहीं किया बिकॉज थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे. एनीवेज ये सिंगापुरी नूडल्स ऑर्डर किए थे हमने, लाइक मैंने, बिकॉज मुझे नूडल्स बहुत पसंद है. बहुत गंदा वाला टेस्ट था गाइज, सीरियसली नूडल्स वाके ऑर्डर मत करना. बाकी आप फूड ले सकते हो, खाना बहुत यमी था, बहुत ज़्यादा यमी. दाल मखानी एंड हमने लिया था बटर नान और क्या था, पनीर की कोई तो सब्जी थी यार. सो या उसके बाद मैंने केक कट किया था एंड ये 5K का मेरा केक मैं कट कर रही हूँ. सो यस गाइस, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी लाइक इस केक को कट करते हुए. एंड ये आप लोगों के लिए है ये बाइट, फर्स्ट बाइट. सो आप मम्मा के लिए है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी गाइस. सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग की वजह से मैं केक कट कर रही हूँ एंड अब मैं खा लेती हूँ. अरे तुम कैसे, तुम पूरा खा गए, दिया कि नहीं रखा, ऐसे दिया याद आई. अब मुझे कुछ दिया कि नहीं रख लो ना. अरे यार पता सपना भी उस सॉन्ग में आने लग गया, इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ आने सपना के भी, ये कह रहा हूँ मैं. सो उसके बाद हमने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक की थी. सो यू कैन सी ये फोटोग्राफ्स मैंने अपने इंस्टा पे भी पोस्ट कर दी हैं, सो आप चेक कर सकते हैं. इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो उसके बाद हम घर आ गए थे एंड अगेन आप मेरा आउटफिट देख सकते हो. एक मेरे को ना पता नहीं क्या खुशी मिलती है राइट. कैसे मनुष्य हैं, सारे फोन में लगे रहते हैं, मम्मी को छोड़ के, अम्मे को छोड़ के. एक्टिंग कितनी शानदार आ रही है, अब से मैं यही शूट करनी है. नहीं वही कुछ, कोई बात नहीं. सो अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और अब मैं चेंज करने वाली हूँ एंड ये मेकअप भी रिमूव करूँगी. ओके और चेंज वेंज करके उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ. मिलना तो क्या है, बस बाय बाय बोल दूंगी. सो यस वेट कर रहे हैं, मम्मी लॉक खोल दे उसके बाद घर पे जाएंगे. मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा थके हुए हम, तो मैंने ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ें तो निकाल दी, बस ये मेकअप रिमूव करके दैन चेंज करके बस सोना है. एंड मैंने शॉर्ट्स भी डाल लिए हैं, बस बाकी जो है टॉप वगैरह चेंज करना है. एंड या तो गाइज अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पे और कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ एंड बस अब मैं सोने के लिए जाने वाली हूँ बस फटाफट मेकअप रिमूव करके. तो अब मैं आपसे मिलती हूँ गाइज मेरी नेक्स्ट वीडियो में. और क्या वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और आज का ब्लॉग कैसा लगा, लाइक बहुत टाइम बाद एक रैंडम ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया है. आई होप कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो. और गाइज थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लाइक आपके वजह से 5K फैमिली हुई हमारी एंड ऐसी आगे भी सपोर्ट करना 10K 100K 1 मिलियन. आई होप कि हम वहां तक पहुंच पाए. अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस. ये मेरे लिए बहुत ऐसा था कि जब मैं केक कट कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि आप लोगों के वजह से आज मैं इस चीज़ के लिए केक कट कर रही हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ एंड या गाइस, तो चलो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. बाय.